अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं ट्रेनर असिस्टेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है ब्रेक का। तो ब्रेक किस तरह यूज होता है पाइथन के अंदर। तो मैं अपने ट्रेनर असिस्टेंट के अंदर जो यहाँ पर फाइल बना दी मैंने, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ट्यूटोरियल नंबर 15 का कोड कॉपी कर लेता हूँ और ट्यूटोरियल नंबर 16 के अंदर वो यूज़ करता हूँ मैं। अच्छा जी, मैंने ये तो आपको समझा दिया था कि वाइल का काम किस तरह होता है, ट्रू कंडीशन क्यों डालते हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो ऊपर लिंक आ रहा होगा ट्यूटोरियल नंबर 15 का, तो आप जाके जरूर देख लेगा वाइल लूप्स का वीडियो। मैंने क्या करा, मैंने एक काम कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ जब ए की वैल्यू बड़ी हो 20 से, जब ए की वैल्यू बड़ी हो जाए 20 से तो क्या हो, ब्रेक। और मैं एक काम करता हूँ, कॉमा लगाकर एंड लिखकर इज इक्वल्स टू ये डालता हूँ, सही है, ताकि एक ही लाइन के अंदर सब आता रहे। मैंने क्या करा, जरा गौर से देखें आप, मैंने कहा एक ए की वैल्यू जीरो है हमारे पास, कंडीशन ट्रू का मतलब चलती रहेगी। तो जैसे ही ये चेक करेगा जीरो अगर बड़ा, यानी ए की वैल्यू बड़ी होगी तो रुक जाएगा, ये रुक जाएगा लूप हमारा। और अगर छोटी होगी तो ये चलता रहेगा। जैसे ही बड़ी हुएगी तो ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्टॉप द लूप, यानी लूप को रोक दो, स्टॉप कर दो। तो चलो चेक करते हैं इसको हम, पाइथन ट्यूटोरियल 16.py इंटर करा। तो देखें जीरो से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट हो गए। मैंने एंड का ये फंक्शन यूज़ करा, तो इससे ये एक लाइन में आ गया। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा तो ये ज़रा चेक करें किस तरह आएगा, ये इस तरह आएंगे, यानी एक हर न्यू लाइन पे आएगा। ये देखें ज़रा, दिख रहा है आपको, देखें इस तरह आ रहा है, इसलिए मैंने वो एंड का फंक्शन यूज़ करा था। तो मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, ठीक है जी। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या करा मैंने, ब्रेक क्या हुआ, ये ब्रेक जैसे हो कि 20 से बड़ी हुई वैल्यू तो ब्रेक कर दिया इसने। अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्या नाम है, मतलब ये ब्रेक का काम कहाँ आता है, सबसे पहले सवाल मैं कंडीशन यहाँ पे देने की जरूरत नहीं कि भाई ए की वैल्यू तक 20 हो तो जब तक ये चलता रहे, और जैसे ही रुके तो फिर जैसे ही 20 से बढ़ी तो लूप रुक जाए, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि लूप जिंदगी भर चलता रहे, जब तक मैं चाहूँ चलता रहे। लेकिन अंदर जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन जब रुके, जब मैंने उस पर ब्रेक लगा सके, मैंने कहा अगर ए की वैल्यू बड़ी हो जाए 20 से तो ब्रेक हो जाए। ब्रेक का मतलब कि रुक जाए, और रुक के क्या होगा, टूट जाएगा लूप से, टूट के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर लूप से पूरा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह काम करता है ब्रेक का फंक्शन, है ब्रेक का मेथड समझ लें आप, इस तरह काम करते हैं। मैं दोबारा चलाता हूँ, अब मैं इसको कुछ काम करता हूँ, मुझे 50 तक नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है जी। जरा चेक करते हैं, यहाँ पर आया, उसको देखें जीरो से लेके इसने 49 तक चलाया, क्योंकि जीरो स्टार्ट होता है तो 50 होंगे, टोटल नंबर 50 ही है। मैं एक काम करता हूँ, उसको पूरी 50 का गिनती के लिए 51 लिखा देता हूँ, तो ये मेरे पास 50 तक नंबर प्रिंट हो गए। मैं चाहूँ 1 से प्रिंट करवाना तो मैं बंद कर दूंगा, यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, अब अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक नंबर प्रिंट हो गए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ब्रेक का काम किस लिए होता है। ब्रेक का काम सिंपल सी वो चीज़ है कि आप वाइल लूप के अंदर या किसी के भी लूप के अंदर कंडीशन ट्रू दे दें, ताकि वो चलता रहे, जब तक वो चलता रहेगा। लेकिन ब्रेक का काम कहाँ होगा, कि आपने नेस्टेड क्या नाम है, नेस्टेड लूप लगाए हुए हैं, नेस्टेड इफ एल्स लगाए हुए, जो हमने सीखा था वीडियोस के अंदर पुरानी ट्यूटोरियल्स में, तो उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप सीरीज से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो मैंने कहा इफ अगर जैसी ए की वैल्यू बड़ी हो जाए 51 से तो क्या हो, यहाँ पर आते हैं, और मैंने कहा जैसी ही ए की वैल्यू 51 से बड़ी हो जाए तो क्या हो, ये लूप से निकल जाए बाहर। अब मैं आपको एक दफ़ा और डीपली समझा देता हूँ कि कोड किस तरह काम कर रहा है। जूम करते हैं थोड़ा इसको, ठीक है, जूम कर दिया मैंने। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, वाइल ट्रू ये चलता रहेगा, ठीक है। इफ अगर ए, यानी ए की वैल्यू जैसे ही 51 से बड़ी हो तो रुक जाए, तो ये चेक करेगा ये अभी क्या है, 1 है, तो 1 तो छोटा है 51 से, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ये कंडीशन सही साबित नहीं हो रही, तो ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर आएगा और 1 को प्रिंट कर देगा, और उसके साथ एक स्पेस जोड़ देगा जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। उसके बाद नीचे आएगा ये और ए को अपडेट कर देगा 1 प्लस, यानी यहाँ पर क्या था, 1 था ए की वैल्यू, 1 प्लस 1 2 हो गया। फिर ये चेक करेगा यहाँ पर आके 2 छोटा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा नहीं है, 51 तो 2 प्रिंट करेगा ये, फिर एक स्पेस जोड़ेगा, फिर ये 2 को अपडेट कर देगा। इसी तरह ये चलता रहेगा लूप, और ये कब तक चलेगा,
तब तक मैंने ब्रेक की स्टेट में लगाया। अगर मैं ब्रेक ना लगाऊं तो क्या होगा, जरा ये भी देख लेता हूँ क्या है क्या है। ओके मैंने यहाँ गलती कर दी। ये चलता रहेगा नहीं, कितने सारे नंबर आ गए। तो ब्रेक का काम इसलिए इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और आप शुरू से सारी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो मेरी तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देख रहा, बीच से कोई वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरी पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और शुरू से सारी वीडियो देखते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू के बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।